हेलो ट्रैवलर्स, प्लानिंग अ ट्रिप टू भूटान। सो हियर आर सम टिप्स दैट यू नीड टू नो बिफोर यू गो। सबसे पहले सोलो ट्रैवलर्स, ये डेस्टिनेशन आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। यू नो व्हाई? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ग्रुप, जिसका मतलब ये है कि अगर आप जा रहे हैं तो या तो किसी को अपने साथ लेकर जाइए, वरना आप भी किसी ग्रुप का हिस्सा बनकर जाइए। अब अगर आप भूटान जा ही रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पासपोर्ट हो भी। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड के साथ भी भूटान जा सकते हैं। करेंसी की बात करें तो भूटान में भूटान की करेंसी नू और इंडिया की करेंसी रुपीज दोनों ही चलता है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भूटान जाएं कब, तो मैं आपको बता दूं कि स्प्रिंग और ऑटम बेस्ट टाइम है अगर आप भूटान जाना चाहते हैं, और अगर नहीं है तो मॉनसून में आप भूटान जाना अवॉइड करें। अब बात कर लेते हैं भूटान की पॉपुलेशन की। बिल्कुल कम है, एकदम वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह। आपको बता दें कि वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स भी बहुत ही कम मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, भूटान में ना स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इनडोर्स कर सकते हैं। अब सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ के लोग जो है भूटान के, वो भूटानीज और इंग्लिश दोनों में ही बात करते हैं, लेकिन बेटर होगा अगर आप भूटान की डजोंगखा लैंग्वेज सीखें। तो बस अब और क्या, बैग उठाओ और हो जाओ भूटान के इस खूबसूरत सफर के लिए तैयार। और याद रखें, हमें फॉलो करना ना भूलें।